हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक साइंस का सिलेबस। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में साइंस का सिलेबस समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम आज बात करेंगे इस बार क्या हुआ कि जो क्लास 10th पहले आरबीएससी बोर्ड की क्लास के 10th की जो किताबें थी वो आरबीएससी बोर्ड की तरफ से जारी की जाती थी, पर इस बार जो कोर्स चेंज हुआ उसमें जो सभी बुकें हैं वो एनसीईआरटी बेस हो चुकी है। तो हमारे जितनी भी साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश जो अदर बुकें हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस है। तो जो हमारी जो बुक है साइंस की आरबीएससी, वो जो ये चैप्टर है वो आरबीएससी के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी है। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो दोनों सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी होगा और आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए भी होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे लागू हो गया है। हम बात करते हैं लेसन 10 की, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। ये हमारी बुक में 10वें नंबर का चैप्टर है। इसका जो टोटल अंक है ये 9 मार्क्स का है। मतलब इस चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन हमें बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। अब इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पार्ट पढ़ाने से पहले या इसके बारे में बताने से पहले इसकी समरी बता दूंगा कि इस पार्ट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, और इसको पूछा भी बहुत सी बार गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयताकार कांच की स्लेब में अपवर्तन। एक कांच पट्टी का होगी जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की दोनों घटनाएं एक साथ देखने को मिलेगी, किसमें? आयताकार कांच की स्लेब में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे गोले लेंस द्वारा अपवर्तन की घटना। गोले लेंस में हम उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे तथा उसमें भी अपवर्तन हम देखेंगे। इसके बाद वही सेम प्रतिबिंब निर्माण। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस की समता, जो अपवर्तन वाले टॉपिक से मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, और इधर से दर्पण सूत्र। तो आप पार्ट से पढ़ने के पहले अगर समझ जान लेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती है कि अपन को ये चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे, हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और इसको पूरी डिटेल से हम जानेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या कहूँ प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारी अर्थ है इस पे सबसे बड़ा लाइट का जो सोर्स है, सोर्स मतलब स्रोत, वो है सन। अगर सन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। इस अर्थ पे जितने भी चीजें हैं उनको देखने की सिर्फ 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है या तो उसके पास स्वयं का प्रकाश हो,
या दूसरी दूसरी है प्रकाश का, प्रकाश को परावर्तित करती हो। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, या तो वस्तु स्वयं प्रकाश निकालती हो या उससे प्रकाश टकराए, वो जब प्रकाश जो टकरा जिस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जब भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, जो लाइट है, जो बल्ब की लाइट इस पे पड़ रही है और लाइट इस पे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक पहुंच रही है, तो ये क्या कर रहा है, पेन प्रकाश को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरी आंखों की तरफ, जब जाके मुझे ये पेन दिख रहा है। अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ कुछ सेकंड के लिए, तो क्या होगा, प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा, प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा तो मेरी आंखों तक नहीं आएगा, और मेरी आंखों तक नहीं आएगा तो मैं इस वस्तु को नहीं देख पाऊंगा। जैसे ये तो बात होगी जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अब मैं बात कर रहा हूँ उन चीजों की जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे जुगनू। जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश होता है, बल्ब हुआ इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, सन हुआ इनके स्वयं के पास प्रकाश होता है, इसलिए हम इनको देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वह है प्रकाश। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दो कंडीशन लागू होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, या तो उसके पास स्वयं का प्रकाश हो या किसी की दूसरे के प्रकाश से वो चमके तथा हम उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे चेयर रखी है, चेयर पे जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा और चेयर से टकराकर प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो हम उस चेयर को नहीं देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया बात होगा। करते हैं परावर्तन की, मतलब रिफ्लेक्शन की। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर है, इसमें आपके जो चित्र हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चित्र में मिस्टेक कर देते हो तो आपके मार्क्स कटने का डर रहेगा। मैं कुछ छोटी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जब भी हमें प्रकाश किरण कहूँगा तो आपको इस तरह समझना है या इस तरह समझना है। कोई रेखा खींचूंगा उस पर जब तक ये तीर का निशान नहीं लगेगा, जब तक इसको मैं प्रकाश किरण नहीं कह सकता। अगर मैं इसे खींचूंगा तो सिर्फ ये रेखा है, और जब ये खींच दूंगा तो प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण किसे कहेंगे, जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो उस रेखा को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। एक बार और सुनिएगा, वह रेखा जो एक सीधी रेखा में गमन करती है या प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करवाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश किरण। क्या कहेंगे हम उसे, प्रकाश किरण। अब आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। माना सन, सन से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये क्या है, एक प्रकाश किरण। मैंने कहा था आपसे कि प्रकाश को एक सीधी निश्चित दिशा में ले जा रही है और इस पे क्या लग रहा है, तीर लग रहा है, तो ये क्या है, प्रकाश किरण। ये क्या है, एक समतल धरातल, जिसे हम पृथ्वी का धरातल मान सकते हैं। जब ये प्रकाश किरण इस समतल धरातल पर आपतित हो रही है, क्या हो रही है, जब कोई प्रकाश किरण समतल धरातल पर आपतित, आपतित होने का मतलब है पड़ती है या गिरती है, समतल धरातल पर आपतित हो रही है, तो ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, इस जगह पर टकरा कर पुनः उसी माध्यम, माध्यम का मतलब है ये प्रकाश किरण पहले कहाँ से होके आई थी, वायु से होके आई थी, अब ये टकरा कर पुनः कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो जब ये प्रकाश किरण वायु से होती हुई धरातल पे आई थी और धरातल से टकरा कर पुनः वो वायु में जा रही है, तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण किसी समतल धरातल पर आपतित, आपतित मतलब गिरना होती है, तो धरातल से टकरा कर, धरातल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह वायु एक क्या है, माध्यम है, माध्यम जिसमें प्रकाश किरण गमन करती है, तो माध्यम हो जाएगा वायु। तो परावर्तन की परिभाषा हो जाएगी, जब प्रकाश किरण किसी समतल धरातल पर आपतित होती है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट कहते हैं, जो किरण धरातल धरातल पर आपतित हो रही है उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश किरण धरातल से टकराकर जा रही है उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के मध्य एक काल्पनिक एक अभिलंब खींचा जाता है जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। आपतित किरण वो अभिलंब के बीच हमेशा आई कोण बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनता है आर कोण बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं परावर्तित कोण। परावर्तित कोण तो आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं तथा इससे किसे डिनोट किया जाता है तो आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है और आपतन कोण हमेशा आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य में बनने वाला कोण है। आपसे पूछा जाए कि परावर्तित कोण कौन सा है या किसे कहते हैं तो इसे आर से डिनोट करते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उसे ही अपन क्या कहते हैं परावर्तित कोण। तो आपको ये परावर्तन की जो परिभाषा है परिभाषा पूछी जाए आपसे तो आप लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल धरातल पर आपतित होती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिभाषा लिखने के बाद आपको ये चित्र बनाना है। अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा इसलिए ये चित्र भी क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस जो यूनिट है ये जो चैप्टर है हमारे इसमें जो चित्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको ये तीर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये तीर गलती से आपसे उल्टे लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर आप इस तीरों को ऐसे लगा दोगे तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा तो आपको ध्यान रखना है ये तीर ऐसे ही लगाने हैं जैसे मैंने इसमें लगा रखे हैं। अब आगे बात करते हैं। ये कोई धरातल है अगर इस पे कोई सन का प्रकाश गिर रहा है अब क्या करता है ये धरातल कुछ ऐसा टाइप है जो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने पे क्या होगा मतलब पूरा प्रकाश तो क्या हो जाएगा निगल जाएगा। निगल जाएगा तो प्रकाश को निगलने पर हमें ये वस्तु कैसी दिखेगी हमेशा काली दिखेगी। कौन सी दिखेगी काली। जब भी कोई धरातल या कोई वस्तु पूरे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें ऐसा काली दिखती है। जैसे मैं बात करूं ब्लैक होल की आपने सुना होगा ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में इतना प्रकाश है कि हम उसको नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते पर हमारी आकाशगंगा के अंदर प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर एक ब्लैक होल होता है और इतनी ज़्यादा तारों की मात्रा से इतनी ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है फिर भी ये क्या करता है ब्लैक होल पूरे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और उस स्थान पर एक ब्लैक सा छेद दिखाई देता है जिसे हम ब्लैक होल की संज्ञा देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर बात है कि जब भी कोई वस्तु या कोई भी धरातल प्रकाश को पूरा ऑब्जर्व कर लेता है अवशोषित कर लेता है तो वस्तुओं में काली दिखाई देती है। दूसरी बात हम पकड़ते हैं जिसे भी कोई धरातल है अब प्रकाश इस पे आया और बिना ऑब्जर्व हुए सीधा निकल गया। क्या हुआ प्रकाश आया और इस वस्तु के या धरातल के आर पार निकल जाता है तो वो वस्तु हमेशा पारदर्शी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है पारदर्शी पारदर्शी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा जैसे दर्पण या बात करूं मिरर की। मिरर में क्या होता है जो फ्लैटेड मिरर होते हैं मतलब जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो मिरर की बात कर रहा हूं मैं। उन मिरर में क्या होता है प्रकाश हम जैसे इधर से प्रकाश जा रहा है ये कोई मिरर है इधर से कोई प्रकाश जा रहा है इस साइड से प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश इधर दिखाई देता है तो मिरर कौन सा होगा एकदम प्लेन मिरर होगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं जिसे हमारे पास लेंस होता है
वो जो छोटे छोटे लेंस आते हैं उनमें क्या होता है, प्रकाश आर पार जा सकता है, जो वो पारदर्शी होते हैं। तो जिनके आर पार प्रकाश निकल जाए वो वस्तु हमेशा पारदर्शी होती है। अब तीसरी बात करते हैं हम, कोई प्रकाश किसी धरातल पर आपतित हुआ। अब ये धरातल थोड़े प्रकाश को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो बाकी बचे प्रकाश को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ है मतलब टकरा कर पुनः माध्यम में गया है, वायु में गया है, वो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश किरण। कैसा दिखाई देता है हमें, श्वेत प्रकाश किरण। वो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश किरण के रूप में हमें वो प्रकाश दिखाई देता है। जैसे दिन में सूर्य उगता है तो सूर्य क्या करता है, प्रकाश को जब धरातल पर आता है तो धरातल से टकरा कर प्रकाश पूरी तरह फैल जाता है, तो प्रकाश हमें लाइट कैसे दिखती है, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखती है, क्योंकि वो धरातल से टकरा रही है, कुछ प्रकाश ऑब्जर्व हो रहा है तो कुछ टकरा कर पुनः फैल रहा है वायुमंडल में, तो हमें किसी वस्तु की दिखाई देती है एकदम लाइट, या लाइट को कहें हम श्वेत प्रकाश के रूप में वस्तुएं हमको दिखाई देती है। तो ये तीन चीजें हैं, अगर धरातल पूरे प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहा है तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी, यदि प्रकाश आर पार जा रहा है तो वस्तु हमें किसी दिखाई देगी, पारदर्शी दिखाई देगी, यदि प्रकाश टकरा कर माध्यम में जा रहा है तो वस्तु जो प्रकाश हमें कैसा दिखेगा, श्वेत प्रकाश के रूप में दिखेगा। तो ये तीन बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम परावर्तन के प्रकारों का। परावर्तन तो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। अब सबसे पहले बात करेंगे हम नियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक समतल धरातल लेते हैं। सबसे पहले समतल धरातल लेते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या रहता है, सूर्य। सन हमारे पास प्रकाश का स्रोत रहता है। जब प्रकाश किरणें, ये तीनों क्या, मैंने कहा था आपसे कि जब भी प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करे तो हम उसे किसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, और उसे इस तरह के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब प्रकाश किरणें किसी समतल धरातल पर, आपको में से एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी नियमित परावर्तन आए तो वहाँ पे होगा समतल धरातल, और विस्तृत परावर्तन आए वहां पर होगा अनियमित धरातल। तो प्रकाश किरणें जब किसी समतल धरातल पर क्या होती है, आपतित, क्या बोलेंगे, आपतित मतलब गिरती है। तो अब क्या होगा, यहाँ परावर्तन की घटना होगी। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब प्रकाश किरण किसी समतल धरातल पर आपतित होती है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही अपन क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें धरातल पर आ रही है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसी घटना को हम शॉर्ट रूप में क्या कह देंगे, परावर्तन कर देंगे। तो प्रकाश किरण किसी समतल धरातल पर क्या आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो रही है, एक दूसरे के समांतर हो रही है। समांतर कैसे बोलेंगे, ये रेखा इसके समांतर है तथा ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है तथा ये इसके समांतर है, तो क्या हो रही है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो रही है। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी समतल धरातल पर आपतित होती है तो किसके बाद, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की क्या हो रही है, समांतर हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन की घटना बोलते हैं। जो प्रकाश किरणें धरातल पर गिर रही है उन्हें अपन आपतित किरणें बोलते हैं, जो टकरा कर पुनः माध्यम में लौटने के बाद जो किरणें होती है उन्हें परावर्तित किरणें बोलते हैं, तथा ये जो धरातल है इसे समतल धरातल बोल देंगे। तो परिभाषा के बाद आपको ये चित्र हमेशा बनाना है। अब बात करते हैं विस्तृत परावर्तन की। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमने क्या लिया, अनियमित धरातल, ऐसा धरातल जिसे मान लीजिए अपन ने क्या लिया, रेत का रेगिस्तान ले लिया। रेत का रेगिस्तान कुछ इसी प्रकार का होता है, तो इसी प्रकार का मैंने रेत का रेगिस्तान ले लिया, ये तो ले लिया। मैदानी भाग के रूप में मान लीजिए, यहाँ पे मैंने इमेजिन कीजिए ये घटना कहाँ पे हो रही है, रेगिस्तान में हो रही है। रेगिस्तान में क्या होते हैं, समतल जगह तो होती नहीं, क्या
कैसे होते हैं, कई ऊंचे टीले होते हैं तो कई नीचे टीले होते हैं। तो आप उस जगह का इमेजिन अपने दिमाग में कीजिए, क्योंकि आप इमेजिन करेंगे तो आपको वो बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रेत के रेगिस्तान में खड़े हैं और सूर्य से प्रकाश किरणें गिर रही है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, प्रकाश की चोटी है, तो यहाँ प्रकाश किरण गिरेगी तो क्या वो इसी तरह जाएगी क्या, जैसे यहाँ समतल बदलता तो जिस कोण पे वो आई थी उसी कोण पे ये लौट जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अनियमित धरातल होता है। तो जब भी प्रकाश किरणें किसी अनियमित धरातल पर गिरती है तो क्या होती है, परावर्तन। परावर्तन की घटना हर जगह होगी, जहीं पे जहाँ पर भी धरातल का नाम आएगा वहाँ क्या होगी, परावर्तन की घटना होगी। तो हम कह सकते हैं जब भी जब प्रकाश किरणें किसी अनियमित धरातल पर गिरती है ये आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, किस घटना के पश्चात, परावर्तन की घटना के पश्चात वो क्या हो रही है, फैल रही है। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा ये प्रकाश किरण यहाँ आ रही है तो इस प्रकार यूँ जा रही है, ये इधर नीचे जा रही है तो ये इस साइड में बग रही है, और ये यहाँ ऊपर ऊपर पड़ रही है तो ये किसी जा रही, बीच में ही जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो रही है, तो यहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो रही, फैल रही है, तो यहाँ समांतर नहीं हो रही। तो इसी कारण यह क्या होगा, विसरित परावर्तन। विसरित का मतलब ही होता है फैलना। विसरित का मतलब क्या जानोगे आप, फैलना। नियमित, नियमित मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक यहाँ क्या हो रहा है, समांतर हो रही है किरणें, तो यहाँ नियमित परावर्तन हो जाएगा और विसरित परावर्तन में फैलना आ जाएगा। तो जहाँ प्रकाश किरणें फैले वहाँ विसरित परावर्तन, जहाँ नियमितता का क्रम, जहाँ समांतरता का क्रम निर्धारित हो वहाँ नियमित परावर्तन होगा। तो विसरित परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी अनियमित धरातल पर आपतित होती है तो किस कौन सी घटना, परावर्तन की घटना के पश्चात वो एक फैल जाती है। क्या हो रही है, यहाँ प्रकाश किरणें एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन बोलेंगे। अगर आपको नोट्स में बनाने हैं तो आप वीडियो को रोक रोक के, मैंने जितनी भी अभी तक परिभाषाएं जितनी बातें बताई है वो हमेशा मैंने डबल बार बोल रही है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप वीडियो को पस करके नोट्स भी आपकी तैयार कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ टॉपिक वाइज बताता जाऊँगा। हमारा अगला टॉपिक है परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम, हमारे टॉपिक, हमारे जिस चैप्टर में दो परावर्तन के नियम हैं, फर्स्ट परावर्तन के नियम से यहाँ पे मतलब है कि जो परावर्तन की घटना होती है उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए क्या दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं, जब कभी भी परावर्तन की घटना घटित होगी तो फर्स्ट बात ये होगी कि जिस कोण पे वो किरण आपतित होती है, जिस एंगल पर प्रकाश किरण धरातल पर आ रही है उसी एंगल पर क्या होगी, वो वापस जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जिस कोण बना रही है या जितना कोण बना रही है उतना कोण बनाती हुई अभिलंब से क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ, अच्छी तरह समझिएगा, ये रेखा है इस पर कितना कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। माना ये 30 डिग्री पर आपतित हो रही है तो क्या होगा, ये इधर से 30 डिग्री पर ही जाएगी, इससे भी कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। तो मतलब क्या होगा, अब मैं बात करूँ अब टोटल कोण कितना था, 180 था, अब 30 पे ये आ रही है तो 30 पे ही जा रही है, 30 30 प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 120, तो 120 का हाफ कीजिएगा तो 60, तो मतलब कोण आई कितना होगा, 60। तो मतलब आपतित किरण अभिलंब से कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का, तो परावर्तित कोण भी अभिलंब से कितना डिग्री का बनाएगी, 60 का। तो मतलब कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। तो परावर्तन के समय हम लिख सकते हैं, परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या होगा कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। प्रकाश किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर क्या होती है, परावर्तित होती है। ये बात हो गया हमारा फर्स्ट नियम। तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो नियम है उसमें होता है कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। दूसरे नियम की बात करते हैं, आपतित किरण,
अभिलंब वो परावर्तित किरण, तीनों का होते हैं एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब है जैसे मैं एक्स वाई तल लेता हूँ, माना एक्स वाई तल में ये प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित हो रही है। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो माना एक्स अक्ष पर ये क्या हो रही है, पूरी घटना घटित हो रही है। तो ये कौन सा तल हो गया, एक्स वाई तल हो गया। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं एक्स तल में ये भी क्या होगा, एक प्रकार का एक्स वाई तल होगा। देखिए आपतित किरण भी यहाँ पे आ रही है, परावर्तित किरण भी यहाँ से जा रही है, अभिलंब भी यहाँ पे आ रहा है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों का होते हैं एक तल या एक बिंदु, बिंदु भी कह सकते हैं अपन, एक बिंदु पर होते हैं, माना ये बी बिंदु है। तो फर्स्ट नियम हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर होता है, तथा आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपके दो परावर्तन के नियम हैं जो एक नंबर में हमेशा पूछे गए हैं, बहुत सी बार पूछे गए हैं एक नंबर में। तो आपके लिए एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नियम हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, आपको ये लिखने के बाद ये चित्र बना देना है। दूसरा नियम आपको लिखना है आपतित किरण अभिलंब वो परावर्तित किरण दोनों एक तल पर स्थित होते हैं, उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। तो आपका एक या दो नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आई है तो आप वीडियो को एक बार शुरू से वापस देखिएगा, क्योंकि तो मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको पूरी बातें समझाई है। और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस टॉपिक में बहुत हमारे लिए काम आएगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण। तो अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ मिस्टेक रही गई हो मेरे से, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।